समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी तेज प्रताप सिंह ने आज डीजीसीए को एक ज्ञापन सौंपा। तेज प्रताप सिंह ने कहा कि ड्रोन उद्योग का स्वयंभू निकाय ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया धोखाधड़ी डीजीसीए अधिकारियों की जालसाजी और खरीद प्रक्रिया में निविदाओं में हेराफेरी के आरोप के कारण जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आई है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे ड्रोन सर्किल में डीएफआई के नाम से भी जाना जाता है पिछले 2 सालों से सवालों के घेरे में है लेकिन उनके खिलाफ कई शिकायतें हैं। हाल ही में शिकायत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए को दिए गए एक ज्ञापन में पूर्व डीजीसीए डीजी अरुण कुमार के हस्ताक्षर की जालसाजी करने के लिए दर्ज की गई थी। डीजीसीए ने भी समीक्षा के बाद एमसीए को पुष्टि की थी कि डीएफआई ने कॉरपोरेट मामले के मंत्री से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए डीजीसीए के लेटर हेड और डीजी अरुण कुमार के हस्ताक्षर में जालसाजी की थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल आईटीआई कार्यकर्ताओं ने आईपीएल दुबई 2021 सीजन में ड्रोन उड़ाने के लिए एक सदस्य कंपनी क्विडिच इनोवेशन को फर्जी पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए डीएफआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ड्रोन फेडरेशन इंडिया और कुछ सदस्य कंपनियों ने रक्षा कृषि मानचित्र और खनन विभागों में सरकारी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी को सीमित करने और कीमतें ऊंची रखने के लिए कार्टेल बनाया है। कई पंजीकृत शिकायतों और घोटालों के सिद्ध तथ्यों के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिक उड्डयन मंत्री और डीजीसीए ने अभी तक डीएफआई पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच एजेंसियों और अदालतों ने इन संबंधित घटनाक्रमों पर ध्यान दिया है क्योंकि भारत में ड्रोन क्षेत्र ने हाल के दिनों में जबरदस्त प्रगति देखी है और वे 2G घोटाले जैसे घोटाले से बचना चाहेंगे जिसने 2009 में दूरसंचार क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो प्राइवेट संस्था है जिनके कुछ संदिग्ध मामले हैं उनको देने के लिए मैं आया था। क्या संदिग्ध मामले हैं? संदिग्ध मामले ये हैं कि ये फर्जरी पेपर और फर्जरी जानकारी दे करके अधिकारियों को भारत सरकार को अंधेरे में रख करके अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें लोग शामिल है इसमें आपको राहत कुल श्रेष्ठ नाम का एक आदमी है, विपुल सिंह है और एक कोई साहा है। तो ये लोग मिल करके पहले दुबई से इन लोगों ने शुरू किया और फिर यहाँ भी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी सारी जानकारी मेरे पास थी तो मैं 18 महीने पहले जंतर मंतर पर भी एक दिन उपवास किया था और प्राइम मिनिस्टर को और संबंधित सभी सक्षम मंच को दिया था और फिर आज मैं यहाँ डीजीसीए को देने के लिए आया हूँ। समस्या क्या आ रही है ये बताइए। समस्या ये है कि गैर कानूनी ढंग से कोई कंपनी काम करे तो उस पर रोक लगना चाहिए। ये काम डीजीसीए का है। डीजीसीए के संज्ञान में अभी तक आया कि नहीं आया, हम कई बार यहाँ ले आकर के अपना शिकायत पत्र दिए सबूतों के साथ और वो क्या डीजीसीए ये जानकारी में है, ये आपको पता है या अब नहीं? ये हमको कैसे पता चलेगा? तो आपने इस बात को पता करने के लिए कोई प्रयास किया है? हम प्रयास किए, आप इसे 18 महीने से बता रहे हैं। एक बार यहाँ से फोन से बात हुआ तो बोले कि जांच चल रही है, बस इतना ही पता है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश से आते हैं तो अब क्या है कि आकर के प्रोग्राम बनाना फिर इंतजार भी करना कि हो सकता है कोई कार्रवाई हो गई हो। क्या डीजीसीए की भी मिली भगत है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये मैं नहीं। अच्छा ये बताइए सर, आपने जो एप्लीकेशन दिया उसका कोई रिवर्ट इन्होंने दिया आपको? नहीं, हमको कोई। कितने दिन तक पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी? 18 महीने पहले दिया था। उसकी उसके लिए आरटीआई भी लगाई आपने? इसका आरटीआई लगा करके जानकारी हासिल करने के बाद ही मैंने बुकलेट बनाया और सारा जानकारी। आपको क्या लगता है जानकारी क्यों नहीं आपको दी जा रही है? हो सकता है कि जाँच कर रहे हो या बहुत सारे शिकायत हो तो देर लग रहा हो। आप क्या चाहते हैं सर? हम ये जानना, जल्दी से जांच हो। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पूरी बातचीत में अगर कोई आम नागरिक को देखे तो वो क्या समझे, क्या है पूरा मामला, क्या है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, कुछ लोगों ने बना करके, क्योंकि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि ड्रोन पे बहुत फोकस है, ठीक है, तो आम नागरिक को तो पता ही नहीं है कि ड्रोन के लिए लाइसेंस भी लेना है, किस ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना है, किस ड्रोन को कहाँ देना है, ये किस टाइप का ड्रोन है। ड्रोन फेडरेशन इस मामले को सरकार को और जनता को गुमराह कर रही है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ।
वो अपने इस गुमराह को चूंकि अवेयर नहीं है ना, अभी नया नया चीज है, आप लोग भी गुमराह हो जाते होंगे कि ये तो शादी विवाह में तो तुरंत ड्रोन उड़ रहा है, कोई कुछ पता नहीं है। हमने काफी तो वो अनट्रेंड आदमी बिना लाइसेंस के जो बोलता है, जिस ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ वो मिलिट्री में भी जाती है, सरकार के यहाँ भी जाती है, तो क्या इस तरह से ये कानूनों का पालन कर रहे हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? मुझे संदिग्ध लग रहा है, इसकी जानकारी मैं बार बार दे रहा हूँ, इसकी जांच करनी चाहिए। आपको कुछ उनके गलत कामों की जानकारी भी हुई है इसके बारे में, फेडरेशन के बारे में? हाँ हाँ, तो वो सारे बुकलेट आप लोगों को अभी दिला देंगे। क्या क्या जानकारी आपको मिली? अब जैसे ये भी जानकारी मिली है कि जैसे लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों से उड़वा रहे हैं, जिन जो इनके पायलट हैं उनके पास उचित लाइसेंस नहीं, ये भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया का पालन कर रहे हैं, ये मेक इन चाइना का पालन कर रहे हैं, सारे पार्ट्स इनके चाइना का है। अगर यहाँ से जवाब नहीं मिलता है तो कोर्ट जाएंगे सर? आप जरूर कोर्ट जाएंगे, अब क्या करेंगे? एक उचित मंच वो भी है। ये जो ये ड्रोन उद्योग है ये कितने रुपए का इसने कारोबार का है, ये हमको अनुमान इसका नहीं, ये असीमित है क्योंकि अकेले ही कर रहे हैं। अकेले क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको इसी की जानकारी देनी थी और आज मैंने ये जानकारी की। तो क्या देश भर के जो जितने भी ड्रोन कंपनियां डीएफआई का उन्हीं पे कब्जा है क्या सबका? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि ज्यादा पर इनका कब्जा है, उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्रेडेंशियल का भी मामला हो जाता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो सारे एक्सपीरियंस उस अनुसार तो मतलब एक तरह से आपकी बातचीत से लगता है कि मतलब कुछ खास लोग इस मतलब इस हाँ, कुछ खास लोग कब्जा जमा है और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हाँ, नियमों का अनदेखी कर रहे हैं। अगर नियमों की देखी करके हो, जांच में पर्दाफाश हो जाए कि नहीं नहीं ये लोग ठीक कर रहे हैं, तो हमको कोई इतराज नहीं है। तो क्या ड्रोन का गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है क्या, आपको शक है क्या? अब ये कैसे मैं कह सकता हूँ, चूंकि मैं जांच अधिकारी तो हूँ नहीं, मैं तो शिकायत करता हूँ। सीमा पे भी जो है सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी की यही चिंता है, ये मेरी चिंता यही है कि लोग जो है आम जनता ये अवेयर है कि ड्रोन उड़ाया जाता है, कैमरा शादी विवाह ये सारी चीजें अभी पूरी जनता हम जानते हैं कि पूरी जनता को मालूम नहीं। नहीं, बाहर देशों में तो ड्रोन से जो है सामान भी सप्लाई किया जाता है आजकल ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ, तो वो अलग चीज हो गया। हाँ, ना संदिग्ध जगहों पे इनका ड्रोन प्रतिबंधित होना चाहिए जांच के बाद ही। तो क्या इसके लिए कोई कानून नियम बने हुए हैं कि ड्रोन कैसे उड़ाना, कहाँ उड़ाना, क्या इसका कुछ ऐसा है? डीजीसीए जानते होंगे, डीजीसीए इसी के लिए है ना सर, सिविल एविएशन। अब डीजीसीए ही तो जानते हैं कि प्लेन कैसे उड़ाना है, कौन उड़ाएगा। इसके पहले कभी आप यहाँ आए थे? हाँ हाँ, दिए दिए। इसके पहले दो बार था आपने? 18 महीने पहले दिए थे और फिर फिलहाल डेट याद नहीं है। तो कभी भी मतलब उसको आपको एक प्रॉपर जवाब वहाँ से नहीं मिला डीजीसीए? नहीं। डीजीसीए भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है इसमें? आप नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि चूंकि वो डीजीसीए है कि नहीं, अब कौन डीजीसीए आ गए। हाँ, लेकिन आपको जवाब तो नहीं मिला? आपने ना हमको जवाब करते हैं, हमको आप ये तीसरी बार आए हैं जी। चलिए ठीक है, बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।